ओके okay. कुछ भी प्रॉब्लम हो चैट बॉक्स में मैसेज करना। तो हमारा आज का सिस्टम है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ये हमने पढ़ना है। ठीक है, कौन से पार्ट में है ये? ये आपकी जो बीएससी फर्स्ट क्लास जो है, बीएससी फर्स्ट ईयर उन स्टूडेंट्स के लिए है, और उसमें जो एनालिटिकल मैकेनिक्स की बुक है, एनालिटिकल मैकेनिक्स, उसके लिए उसका ये फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, एनालिटिकल मैकेनिक्स की। ओके, दूसरा चीज जो है, जो बच्चे बीएससी सेकेंड ईयर में हैं, वो स्टूडेंट्स भी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल में। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, वो उन्हें बीएससी सेकेंड ईयर में हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम में भी आता है, क्वांटम मैकेनिक्स हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम उसमें भी यूज होता है, और स्फेरिकल पोलर सिस्टम बहुत जगह पे यूज होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम पढ़ेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले समझते हैं मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स इट्स अ सिंपल थिंग, इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच पर्टिकुलरली डील्स विद द मोशन ऑफ अ पार्टिकल। इट मे बी वन पार्टिकल और इट मे बी अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो मोशन के साथ डील करे उस ब्रांच को हम मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स बोलते हैं। अब इसमें हमें जो इस मोशन को स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, एक सिस्टम चाहिए होता है विच कैन रिलेट द स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स, स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स, दैट सिस्टम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट इज अ रेफरेंस सिस्टम, ओके, विच रिलेट द स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स। इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, इट्स जनरली ऑफ टू टाइप्स, ओके, जो मेजर हम काउंट करते हैं, वन इज रेक्टेंगुलर और ऑल्सो कॉल्ड कार्टीजियन। ठीक है, जो आप एक्स वाई जेड पढ़ते हो, एक्स वाई जेड सिस्टम, दैट इज बेसिकली रेक्टेंगुलर और कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। Another type of system is curvilinear, curvilinear coordinate system. This includes spherical polar coordinates. Okay, or you can say for example cylindrical polar coordinates, जो ये होते हैं जिनमें एक्चुअल में क्या है, कर्व इन्वॉल्व हो, कर्वेचर इन्वॉल्व हो किसी भी तरह का, दैट सिस्टम इज कॉल्ड कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन केस ऑफ कर्व इट इज क्वाइट कन्वीनियंट टू वर्क विद दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन केस ऑफ रेक्टेंगल और लीनियर मोशन इट इज इजी टू डील विद इन कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो जहां पे हमें लीनियरिटी मिलेगी, लीनियर मोशन मिलेगा, वहां पे हम ये वाला सिस्टम यूज करेंगे, और जहां पे कर्वेचर आ गया वहां पे हम क्या करने वाले हैं, हम इन सिस्टम्स पे मूव कर जाएंगे, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है जो हमने सीखना है, उसमें हम क्या क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, और स्फेरिकल पोलर हमारा मेन टारगेट है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, ये दो चीजों पे हम स्पेशली फोकस करेंगे। ठीक है, दो चीजों पे स्पेशली फोकस करेंगे। ओके, तो एक बार कार्टेशियन की झलक देख लेते हैं। ओके, सो दिस इज बेसिकली दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय थ्री mutually perpendicular lines, three mutually perpendicular lines, this is drawn from a single point known as origin, this is origin, okay, this is one axis, this is another axis, this is third axis, let us name them as this as x axis, this as y axis and this as z axis. In case of three dimensions दो चीजें हो सकती हैं, एक होता है प्लेन, प्लेन
प्लेन में क्या होता है, प्लेन में होते हैं टू डायमेंशंस, सिंपली एक्स और वाई, दिस इज अ प्लेन। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है स्पेस, दिस इज बेसिकली दिस रिप्रेजेंट थ्री डायमेंशंस। ओके, इन दिस केस वी रिप्रेजेंट इट एज एक्स वाई एंड जेड, सेम थिंग वी हैव ड्रॉन इट हियर। ओके, सेम थिंग यहां पे हमने क्या लिया, जेड जो है वो हम यूजली वी टेक इट एज अ हाइट, सो वी ड्रॉ इट इन दिस मैनर, वी ड्रॉ इट इन दिस मैनर। ओके, एंड रेस्ट ऑफ द टू एक्सिस आर एक्स एंड वाई, वाई वी हैव टेकन एक्स ऑन दिस साइड एंड वाई ऑन दिस साइड टू मेड इट ए राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब राइट हैंडेड सिस्टम क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा सिस्टम है, मतलब एक राइट हैंड स्क्रू की तरफ चलता है। इफ यू विल मूव फ्रॉम एक्स टू वाई तो आपका राइट थंब जो होगा, ओके, इट्स समथिंग लाइक दिस, इफ यू आर रोटेटिंग योर हैंड फ्रॉम एक्स टू वाई योर थंब विल बी इन जेड डायरेक्शन पॉजिटिवली, इट्स समथिंग लाइक दिस। ओके, फॉर इंस्टेंस इसमें जो है अगर आप एक्स टू वाई जा रहे हो, रोटेशन ले रहे हो, तो पॉजिटिव जेड आएगा। अगर आप जेड टू एक्स जा रहे हो देन इट विल बी पॉजिटिव वाई, एंड इफ यू आर गोइंग फ्रॉम वाई टू जेड देन इट विल बी पॉजिटिव एक्स। सच काइंड ऑफ सिस्टम्स आर नोन एज राइट हैंडेड सिस्टम्स। ठीक है, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल और सम एलैबोरेशन ऑन दिस। व्हाट वी कैन से, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। इफ दिस इज अ सिस्टम, दिस इज अवर वन एक्सिस, दिस इज अनदर एक्सिस, सेकेंड वाई एक्सिस हो गया, एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस। सो इन दिस केस लेट अस राइट इट एज जेड, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। तो हम क्या करते हैं, हम यूनिट वेक्टर ओरिजिन से ड्रॉ करना शुरू करते हैं। इफ वी नीड अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, व्हाट विल वी डू, वी विल टेक अ यूनिट मैग्नीट्यूड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स, एंड दिस इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज आई कैप। ठीक हो गया, आई कैप इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन एंड डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, सिमिलरली वी कैन हैव यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जे कैप। सिमिलरली वी कैन हैव अ यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस एंड दिस इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय के कैप। ओके, सो आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स, आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड, अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, हो गया ये। अब इसे हम प्रोडक्ट देखते हैं, जब आपको पता है यू हैव रेड इट इन लोअर क्लासेस इन प्लस वन और प्लस टू, सभी बच्चे पढ़ते आ रहे हो इसे। व्हाट यू हैव रेड आई क्रॉस जे इज पॉजिटिव के, दिस इज व्हाट वी मीन बाय राइट हैंडेड सिस्टम। इफ वी मूव और रोटेट अवर एक्सिस फ्रॉम आई कैप टू जे कैप देन वी विल गेट अ वेक्टर which is in the direction of z-axis, positive। अगर left-handed system हमने लिया, left-handed लिया,
तो उसमें i क्रॉस j विल नॉट बी इक्वल टू k, बट इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ k. दिस हैपन्स इन केस ऑफ लेफ्ट हैंडेड सिस्टम. ओके, बट वी आर मोर कंफर्टेबल विद राइट हैंडेड सिस्टम. सो व्हाट वी विल डू, विल टेक आवर z here, y here, and x here, so as to have a right-handed system. Right-handed. तो ये हम लेते हैं इसमें. ठीक हो गया. So first thing is clear to you, I hope. जल्दी से chat box में reply कर दो अगर कुछ दिक्कत लगती है इसमें, किसी तरह की कोई चीज लगती है तो बता दो. Yes. ओके, फाइन. तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें. क्लियर है? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. नो. ओके अमित, यस, व्हाट इज योर डाउट? यू कैन टाइप द क्वेश्चन इफ इट इज नॉट क्लियर. द बेसिक आइडिया इन दिस part was why to consider right-handed system or what are we considering in this. Basically here we have x, why not we are choosing our systems as this, that this is our x, this is our y, this is our z. Why aren't we considering this system as this? This is the part. Okay, this was the question what I answered. You said no, quickly. You can chat what is your question, you can write it down in chat box. Okay, so I think we need to move on. Okay, yes, great. So Mukta, you have asked me one question, that left wala sir kaise aayega, kaise hoga? Left wala mx dot y dot z. Oh, Amit, you said no doubt. Yes sir, clear hai. Okay, great. So Mukta, aapka question hai that how will you do the left-handed system? Okay, it is similar to this one, similar to right-handed system, but at each and every point we will get a negative sign. Negative sign means आपको आप समझ लीजिए right hand की जगह आपको left hand से काम करना पड़े तो क्या होगा? Just a direction change मिलेगा और कुछ नहीं है, और कोई problem नहीं है. Similar है systems, लेकिन direction change आ जाएगा एक. तो जिसे आप upward बोल रहे होगे वो एक्चुअल में डाउनवर्ड बन जाएगा. इट इज समथिंग लाइक दिस. ओके, सो दिस इज द पार्ट दैट वी विल जस्ट हैव अ डायरेक्शन रिवर्सल. वी विल हैव अ डायरेक्शन रिवर्सल इन केस ऑफ लेफ्ट हैंडेड सिस्टम एंड वी आर नॉट कन्वीनियंट विद दैट. सो वी जस्ट स्विच ऑन टू द राइट हैंडेड सिस्टम विच वी आर मोर फैमिलियर विद. तो हम उसमें उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल है इसलिए ऐसा करते हैं. ठीक है, तो ये आराम से हो जाएगा. ओके ग्रेट, सो वी कैन मूव अहेड. ठीक, इसमें हम आगे की चीजें भी सीख लेते हैं. पहले फर्स्टली वी विल कंप्लीट दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन वी विल रेप्लिकेट द होल टर्म ऑल द क्वांटिटीज इन स्फेरिकल पोलर सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो पहली चीज हो गई, हमें सिस्टम समझ में आ गया. सिस्टम समझ में क्या आया कि हमें एक्स वाई जेड लेने हैं. ये वाई है, Z हम यूजुअली ऊपर ही लेते हैं, हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये Z है. ठीक है, ये हमने ले लिया. ओरिजिन से 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की और वो ले लिया. ओके, वी कैन कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ एनी वेक्टर, एनीथिंग. लाइक दिस इज, इफ दिस इज द पॉइंट P, दिस इज लेट्स से द करंट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, करंट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल हैविंग कोऑर्डिनेट्स x, y, z. तो आप इसे कैसे करोगे? आप इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे बना लोगे.
और आपको पता है आप परपेंडिकुलर लोगे तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लोगे तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आ जाएगा. ओके सो बेसिकली व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट्स दैट हाउ मच अप और डाउन यू आर फ्रॉम द ओरिजिन, वो जेड हो जाएगा. हाउ मच लेफ्ट और राइट द पार्टिकल इज, वो वाई एक्सिस हो जाएगा. और हाउ मच फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड उसे मैं एक्स एक्सिस ले लूंगा. ठीक है, जो ये हमने ले लिया. सो दीज आर द थ्री एक्सिस. यू कैन इजिली डिस्क्राइब द पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, कि कोई भी चीज कहां पे है, आपके इतना लेफ्ट में है या राइट में है, इतना ऊपर है और इतना फॉरवर्ड है. सो यू कैन डिस्क्राइब एवरीथिंग इन दीज टर्म्स. सो पोजिशन ऑफ एनी पार्टिकल जनरली रिटन एज आर वेक्टर कैन बी रिटन एज हाउ मच मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस प्लस द वैल्यू ऑफ वाई, अमाउंट ऑफ वाई in the direction of y-axis and z in the direction of z-axis. So this is our position vector. Okay, generally written in this form xi cap plus yj cap plus za cap. ठीक है, ये हो गया. तो पहली चीज complete हो गई. This gives you the position vector of a particle. Position vector of a particle इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके नाउ आवर आर्टिकल इज फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, नेक्स्ट इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. आपको इसी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है. ओके हाउ विल वी डू इट, how will we do this? It's quite easy to solve it. In Cartesian coordinate system it is quite easy. What will we do? We will find out, let's say displacement first. So displacement kaise find kare, maan lo wo particle yahan se hat ke agle point pe chala gaya, that is q. Okay, q, that point is q. So the position vector of q is this, position vector of q is this, new coordinates are some x plus dx and similarly others. So what will be the value of oq, position vector of oq? This can be written as x plus dx I cap plus y plus dy j cap plus z plus dz k cap. This is the magnitude. Okay, so what is the amount of displacement? This is the amount of displacement in x axis, this is in y direction and this is in z direction. So direction displacement can be written as, displacement can be written as oq minus op, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. ऐसा ही है, यही फॉर्मूला लिखते हैं हमारी जगह, वही वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हैं. सो दिस इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. व्हाट विल यू गेट, व्हाट विल यू गेट, दिस एक्स आई पार्ट विल बी कैंसल आउट, वाई जे पार्ट विल बी कैंसल आउट, जेड के पार्ट विल बी कैंसल आउट, एंड व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर equal to dx I cap plus dy j cap plus dz k cap. Simple है, हो गया, quite easy. Okay, तो समझ में आता रहे तो like करते रहना और आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ. ठीक है, problem हो तो chat box में message करना जल्दी से और हम उसी को दोबारा से समझ लेंगे. क्लियर है तो लाइक कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि क्लियर है.
ओके सब साफ हो तो मैसेज कर देना, मैं चैट बॉक्स में पढ़ के दोबारा से बता दूंगा. सो वी गेट द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू. हाउ विल वी कैलकुलेट? दिस इज लेट्स से डी आर. ओके हाउ विल वी कैलकुलेट वेलोसिटी? वेलोसिटी इज सिंपली गिवन बाय डी आर बाय डी टी. सो डिवाइडेड बाय डी टी, दिस विल बी डी एक्स अपॉन डी टी. आई कैप, नेक्स्ट विल बी डी वाई बाय डी टी. जे कैप प्लस नेक्स्ट dz by dt, k cap. सिंपल है. तो वेलोसिटी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट दिस इज x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विद i cap एंड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. इट कैन बी रिटन इन दिस मैनर. ठीक हो गया. नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन. हाउ विल कैलकुलेट एक्सेलरेशन? इट इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. सिंपल है, dv by dt. इट विल बी ax i cap प्लस ay j cap plus az k cap. Simply, it is further written as x dot. अलग से लिखता हूँ. फिर से okay. This is can be written as generally written as x dot i cap plus y dot j cap plus z dot k cap. What does the dot represent? What does this dot represent? It represents that we are taking the derivative of this term with the time, with respect to time is fixed. Okay, so this can be written as ax is derivative of v, which is a dot, x dot. So it is double dot, x double dot I cap plus y double dot j cap plus z double dot k cap. ठीक है, acceleration हो गया. So we got the velocity, displacement and acceleration in terms of in a Cartesian coordinate system. Okay, जल्दी से आगे वाले दो topics और सीख लेते हैं. Next है area. How will you calculate area in Cartesian coordinate system? Simple है, आपने पढ़ा हुआ है, length into breadth होता ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, वो यहीं से निकला है. या फिर हम ये भी ले सकते हैं ब्रेथ इनटू हाइट, और वी कैन एज आल्सो टेक एल क्रॉस एच. ओके इट कैन बी रिटन इन दिस वे. तो ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड इस पे करता है कि आप क्यूब का कौन सा वाला प्लेन ले रहे हो. लेट अस हैव अ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड मींस इट्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर ऑफ इक्वल units, are of equal values, are having some equal unequal magnitudes. ठीक है, length अलग है. Let us say this is length, this is height and this is breadth. Okay, so ये अलग अलग है. If L is not equal to B is not equal to H, then it's a cuboid. अगर equal हो जाए then it will be a cube. अभी ये क्यूबॉइड है, अगर इक्वल हो जाएंगे देन इट विल बी अ क्यूब. ओके सो इफ एल बी एच ये है, हमने क्या लेना है? अगर हमें इस प्लेन का एरिया चाहिए, ओके सो इफ वी आर कंसीडरिंग दिस प्लेन जिसमें कौन कौन से दो एक्सिस हैं, एक तो है लेंथ ये वाला और एक है ये, तो आ जाएगा हमारे पास एरिया L क्रॉस H. अगर हमें ये वाला एरिया चाहिए जो ऊपर है, अगर ये वाला एरिया चाहिए तो इसमें कौन कौन है? एक है L और दूसरा है B, तो आ जाएगा B और L. इट्स समथिंग लाइक यू कैन सी इट इन योर रूम. इन योर रूम व्हाट यू कैन सी इन योर रूम? There is a floor. आप अपने रूम में ही देखोगे. तो अगर आपको फ्लोर का एरिया निकालना है और सीलिंग का एरिया निकालना है, छत का या फर्श का, तो आप क्या किसको मल्टीप्लाई करोगे? ये वाली दोनों चीजें लोगे जो फ्लोर में है, दो एक्सिस फ्लोर में जो है उन्हें लोगे. कौन कौन से हो गए? लेट्स से लेंथ और ब्रेथ. तो अगर फ्लोर और सीलिंग का एरिया निकालना है दैट विल बी लेंथ क्रॉस ब्रेथ. लेकिन अगर आपको साइड वॉल का निकालना है तो
तो अगर एक बॉल का निकालना है तो आप लोगे लेंथ इनटू हाइट, और अगर दूसरी बॉल का निकालना है इसके सामने वाली का भी क्या होगा, इसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली का भी यही होगा, एल क्रॉस एच। लेकिन जो यहाँ पे और आउटसाइड द प्लेन जो दिखेंगे नहीं, वो उन दोनों का निकालना हो जिसने हम ऐसे बना सकते हैं, ओके, देन इट विल बी बी क्रॉस एच, बी क्रॉस एच। तो इस तरह से आप ले सकते हो, तो तीन एरियाज आ जाएंगे इन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाउ विल बी राइट दिस, हाउ विल बी राइट दिस, वी विल राइट इट सिंपली एज इफ वी आर मल्टीप्लाइंग dx i कैप विद dy j कैप, टेक केयर ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, बट इट विल बी dx dy और i क्रॉस j क्या होता है, इट इज k कैप। सो दिस इज योर एरिया, ओके, अलोंग z डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इज अलोंग z डायरेक्शन, मीन्स एरिया वेक्टर जो है दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, इफ यू आर टेकिंग द एरिया ऑफ एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। अगर हम वाई जेड प्लेन ले रहे हो तो सिमिलरली वी कैन राइट इट एज डी वाई जे कैप क्रॉस डी जेड के कैप, ओके, सिंपल है। सो इट इज डी वाई डी जेड जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, और आ जाएगा ये के जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है, सो इट इज डी वाई डी जेड आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, मीन्स एरिया वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग जेड। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द थर्ड थिंग, ओके, नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकलते हैं, वॉल्यूम के प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी डॉट सी डॉट सी, ट्रिपल एरिया वॉल्यूम वाला आपने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम वेक्टर, वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट। नाउ व्हाट वी विल बी डू, विल मल्टीप्लाई dx i कैप क्रॉस dy j कैप डॉट डॉट dz k कैप, दिस इज गिवन बाय dx dy, मैग्नीट्यूड्स आर मल्टीप्लाइड एंड i क्रॉस j इज कॉल्ड k कैप डॉट dz k कैप, k कैप डॉट k कैप कितना होता है, 1 होता है, सो व्हाट विल वी गेट, विल गेट dx dy dz, दिस इज द वॉल्यूम एलिमेंट। आप सीधा लिखते हो जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, वो यहीं से आता है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आ गया, ठीक है। सो दीज वर द फाइव क्वांटिटीज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, फाइव क्वांटिटीज कौन कौन सी लिखी हमने, हमने कौन कौन सी लिखी, हमने लिखी डिस्प्लेसमेंट, ओके, नेक्स्ट इज वेलोसिटी, नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन, नेक्स्ट एरिया, नेक्स्ट वॉल्यूम। आपके सिलेबस में है पूरा, 9 नंबर का आर्टिकल भी आता है, क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में, जो कंपटीशन एग्जाम्स है मास्टर कैडेट टाइप उनमें भी आएगा। तो ये वाले 5 आर्टिकल हमने 5 चीजें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक बार सीख ली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या करना है, यही 5 क्वांटिटीज, ऑल दीज 5 फिजिकल क्वांटिटीज वी नीड टू मेजर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, विल डू इट इन डिटेल्स, बट बिफोर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिफोर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, व्हाट विल वी डू, व्हाट विल वी डू, वी विल डू अ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। प्लेन पोलर में क्या होगा, आप इसमें तीन कोऑर्डिनेट्स लोगे, मैं लिख देता हूं r, थीटा और फाई होते हैं, इनकी हम डिस्कशन करेंगे, इसमें ये सारी क्वांटिटीज निकालेंगे, बट लेट अस फर्स्टली अंडरस्टैंड प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट मींस ओनली टू कोऑर्डिनेट्स r और थीटा। वंस यू अंडरस्टैंड इट इन टू डायमेंशंस, प्लेन पोलर मींस टू डायमेंशन, स्फेरिकल पोलर मींस थ्री डायमेंशन, ओके, वंस यू गॉट इट इन टू डायमेंशंस then it is easy to generalize the problem in three dimension. तो देख लेते हैं कहां पे लेना है, this is our usual x-axis and y-axis,
This is a point P. Okay, having coordinates x and y. This is O origin. Origin O. This is its position vector OP. And generally written as R vector. Position vector is generally written as R vector. And how can we write it? We can write it as R is equal to xi plus yj cap. Okay, this is your position vector. Simple था यहाँ तक तो. अब क्या है? जब तक ये motion of the particle, this is particle, जब तक ये motion linear हो, तब तक हमें कोई problem नहीं है. We can easily do it with Cartesian coordinates. But if this particle is moving, let's say the particle P, particle is moving at the circle, at the surface of the circle, then what will happen? What will be easy for us? It will be easier for us to deal the problem in plane polar coordinate system. ठीक है? Polar coordinate क्यों लेने हैं? Polar क्यों लेने हैं? Cartesian क्यों नहीं लेने? ये समझते हैं पहले. ये देखो, एक चीज तो सिंपल है, because it has a circular symmetry. सर्कुलर सिमेट्री, सिमेट्रिकल होने की वजह से ये क्या होगा, आप अगर कर्व है, इसमें कर्वेचर है, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स यूज करोगे, देन यू आर इन द नेचुरल सिस्टम, ए काइंड ऑफ नेचुरल सिस्टम, देन इट विल बी इजियर फॉर यू. इफ यू विल यूज द कार्टेशियन सिस्टम विच एक्चुअली डील्स विद द लीनियर प्रॉब्लम्स, रेक्टेंगुलर प्रॉब्लम्स, देन इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद सम एग्जांपल or with some numbers or something like that. Like this is point x or y. Agar ye thoda sa aage jayega, let us write it as x1, y1. Point change hoga, value of x and y dono change hongi. Next point pe hum dekhen x2 and y2 dono change honge, x3 or y3, x4, y4, x5, y5. So at each and every point, there can have infinite many points. There can have infinite many points. At each and every point, we have different value of x and y. Okay, but these two are not independent of each other here, because these two are related with some relation given as this. क्योंकि सर्कल है, सर्कल की रेडियस हमेशा फिक्स रहेगी, रेडियस फिक्स रहेगी. ओके, रेडियस फिक्स रहेगी, तो x पॉइंट मिल गया तो y भी आपको उस फॉर्मूले से मिल जाएगा. बट एट ईच एंड एवरी पॉइंट यू विल हैव टू डील विद टू कोऑर्डिनेट्स, वन इज x, सेकंड इज y. ओके, आपको x और y दोनों से डील करना पड़ेगा. बट व्हाट विल हैपन इफ यू डील इन r एंड थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स? This is your angle theta. This is angle theta. Okay. What will happen if you use R and theta? आपको R पता है, हर पॉइंट पे पता है, तो R तो कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ा. Isn't it good? Okay. So you need not to worry about R, because radius of the circle remains constant throughout the motion. It is same everywhere. So how many coordinates you need to calculate actually? Only theta. In this case, in case of Cartesian coordinates, how many coordinates you need to calculate? X and y, two coordinates at each and every point. Every point you need to calculate two coordinates. Okay, but in case of polar coordinates, you need to calculate only theta. Har point pe angle change hoga, usse answer aa jayega. Theek, r remains the same. So basically it reduces the redundancy. Okay, it reduces the redundancy of the problem. So it is better to deal in polar coordinates. In case of circular symmetry, in case of symmetric problems, in case of curvature, curvilinear problems, you should use polar coordinates. Curvilinear coordinate system. अगर वो पार्टिकल सर्कल की जगह किसी सिलेंडर पे मूव कर रहा होगा,
सिलेंडर में मूव कर रहा होता हूं, फिर से बना देता हूं, अगर वो इस पार्टिकल कोई सर्कल की जगह सिलेंडर में मूव कर रहा हो, देन व्हाट शुड वी डू? इज इट गुड टू यूज सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स? आंसर इज नो, ऑफ कोर्स नॉट. इट इज नॉट गुड टू यूज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इन केस ऑफ अ पार्टिकल मूविंग एट द सरफेस ऑफ अ सिलेंडर. व्हाट शुड वी यूज? वी हैव अनदर कर्विलिनियर सिस्टम दैट इज नोन एज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, तो आपको क्या होता है, प्रॉब्लम देखनी है, प्रॉब्लम के हिसाब से काम करना है, दैट व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज पार्टिकल हैविंग. ओके, अकॉर्डिंग टू दैट मोशन यू नीड टू चूज योर कोऑर्डिनेट सिस्टम. इफ इट इज रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ मोशन, यू गो फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. इफ इट इज सर्कुलर, देन यू गो फॉर प्लेन पोलर और स्फेरिकल पोलर, और इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल मोशन you can go for cylindrical coordinate system. So at different problems we have different kind of coordinate systems, and it is better to deal with that reference system which is convenient to deal with, which is convenient to solve, in which system that it is easy to solve the question. Okay, so accordingly we work or solve our problem. So let us complete this article. प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो इतना तो हमें समझ में आ गया, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और यहां पे कोई हमने पॉइंट पी बनाया है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर एक्स एंड वाई इन कार्टेशियन सिस्टम, दीज आर द पॉइंट्स. ओके, दिस इज पोजिशन फ्रॉम ओ, जनरली इट इज रिटन एज आर, रेडियस वेक्टर और पोजिशन वेक्टर इज रिटन इन दिस वे. ओके, नाउ दिस एंगल इज थीटा, मेक श्योर अबाउट द डायरेक्शन, कन्फर्म क्लियर कर लो इसे, ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही डायरेक्शन बनानी है. इट शुड बी टेकन इन दिस वे, इट इज गोइंग फ्रॉम एक्स एक्सिस इन दिस डायरेक्शन. कौन सी है ये, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, तो आपको इसी तरह से ये बनाना है थीटा एंगल. सो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? दीज आर टू कोऑर्डिनेट्स, आर एंड थीटा. R and theta, R and theta, ठीक है, दो coordinates होते हैं. अब आपको क्या करना है, you need to calculate or solve the problem in plane polar coordinates, वो करना है. Okay, जल्दी से बता दो, यहां तक कोई doubt है तो बता दो जल्दी से, अगर okay है तो जल्दी से chat box में लिखो. जाग रहे हो ना सब? डाउट है तो डाउट लिख सकते हो, अगर नहीं कोई डाउट तो आप ओके लिख सकते हो या लाइक कर सकते हो, मेरे को क्लियर हो जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे. यस, ओके, ग्रेट, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, R and theta, these two are the coordinates. Now we will solve the problem in plane polar coordinates and relate everything in its terms. Okay, तो R vector क्या है? R vector can be written as x i cap plus y j cap. Okay, simple था. Small displacement along R. Small displacement along R. तो ये देखते हैं. Small displacement along R किसे बोलेंगे हम? अगर मैं ये पॉइंट लूं, सेम एक्सिस सेम दोबारा से बना रहा हूं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज पॉइंट पी, ये हो गया. पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? पी के कोऑर्डिनेट्स हैं आर एंड थीटा, आर एंड थीटा. नाउ वी नीड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग आर, डिस्प्लेसमेंट अलोंग आर. व्हाट विल वी डू? व्हाट विल वी डू? वी विल take a point such that R is more than the earlier one and theta remains the same. So see this point Q carefully.
व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट्स, रेडियस तो बढ़ गई, पहले इतनी थी अब इतनी है, तो r बढ़ गया, r कैन बी रिटन एज r प्लस dr, लेकिन थीटा एंगल तो सेम है, पहले थीटा पहले भी यहां था अब भी यहां है, सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q पोजीशन वेक्टर हम लिख देते हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स आर r प्लस dr एंड थीटा, ठीक हो गया, चलेगा काम, व्हाट विल वी डू इन केस ऑफ थीटा, इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग थीटा, ये देख लो हम x एक्सिस पे हैं, y एक्सिस पे हैं, ओरिजिन है हमारे पास, P पॉइंट सेम है, दिस इज अवर P पॉइंट, हैविंग कोऑर्डिनेट्स R एंड थीटा, नाउ व्हाट विल वी डू, विल कीप द R सेम, यानी कि अगर ये सर्कल था तो इसी पे रखेंगे पॉइंट को, लेकिन थीटा इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ओके, सो वी विल चूज अ पॉइंट सच दैट R रिमेन्स द सेम, R रिमेन्स द सेम, बट थीटा बिकम्स, सेकेंड कोऑर्डिनेट बिकम्स थीटा प्लस डी थीटा, सो इन दिस फिगर टू वी हैव चूजन द पॉइंट Q सच दैट इट इज इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा, एंड इन केस ऑफ दिस फिगर फिगर वन वी हैव चूजन अवर पॉइंट Q such that it is in the direction of increasing r, okay, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक हो गया, तो op और oq लिखेंगे, पहले वो बना लेते हैं, op से समझते हैं पहले कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x और y को खत्म कैसे कर सकते हैं, so this is x axis, this is y axis, this is our p point written as r and theta or x and y. तो अगर इस वेक्टर को if we resolve this in two perpendicular components, one along this direction and another along this direction, so ये क्या हो जाएगा, this magnitude o q, what it will be, q point नहीं लेते, q नहीं लेते, q हम और use कर रहे हैं कहीं पे, तो हम इसे ले लेते हैं, लेट्स से ओ ए, ओ ए ले लेते हैं, एंड दिस इज ओ बी, सो व्हाट विल बी ओ ए मैग्नीट्यूड वाइज, दिस विल बी एक्स, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्स कंपोनेंट है, सो दिस इज एक्स, दिस विल बी गिवन एज, ये आर वेक्टर है, ये थीटा एंगल है, व्हाट विल बी कॉस थीटा, व्हाट विल बी कॉस थीटा, yes, cos theta will be OA base OA upon OP, OP is hypotenuse, so OP, OA कितना आ गया, OA आ गया OP cos theta, OP cos theta, और OP कितना है, R है, तो ये कितना हो गया, X कितना हो गया, R cos theta, similarly we can find out OB, OB यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, इसी ट्रायंगल में राइट हैंडेड परपेंडिकुलर राइट हैंडेड सिस्टम है और राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल OAP में हम निकाल रहे हैं, इन ट्रायंगल OAP, OB इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू Y, Y कंपोनेंट है, दिस कैन बी रिटन एज R साइन थीटा, ये आ गया, ठीक है, तो R वेक्टर इन जनरल कितना आ गया, R जो ऊपर लिखा था x i कैप प्लस y j कैप, x कितना है, R cos थीटा है, R cos थीटा i कैप आ गया, प्लस y कितना है, R sin थीटा है, R sin थीटा j कैप आ गया, दिस इज अवर रिजल्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ value of r vector, okay, in terms of this r and theta, position vector in terms of polar coordinates, theek, to ek bar fir se likhte hain, position vector r vector se likhte hain in
terms of Cartesian coordinate systems is written as xi cap plus yj cap. But in terms of plane polar coordinate systems, it is written as r cos theta I cap plus r sin theta j cap. This is basically we have written OP vector in these two forms. ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी को एक बार फिर से देख लो. इसी चीज को हमने देखना है. OQ पॉइंट हम देखेंगे और OP पॉइंट से ही देखेंगे. तो हमें दो चीजें क्या निकालनी है, आप नेक्स्ट निकालना है. X एक्सिस के बाद हमने निकालना था I कैप और J कैप. I कैप और J कैप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, I कैप एंड J कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का हिस्सा है, उन दोनों को हमने यहां लिख लिया. व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ हियर, इट इज नॉट गुड टू राइट i कैप एंड j कैप. अगर हम i कैप और j कैप यूज कर रहे हैं, इट मींस हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये कौन सा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम साथ साथ यूज कर रहे हैं. सो वी शुड डराइव एक्चुअली आर कैप एंड थीटा कैप, आर कैप एंड थीटा कैप विच वेयर आर एंड थीटा व्हाट विल दे रिप्रेजेंट, यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ आर एंड थीटा, इन द डायरेक्शन ऑफ आर एंड थीटा. तो ये हमें निकालना है, ये हम निकाल लेते हैं और हमारा ये वाला आर्टिकल भी खत्म हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो यहां तक हमारा हो गया. हम आगे कंटिन्यू करते हैं, इसी पे आराम से निकल जाएगा ये भी. आर वेक्टर देखो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी में देख लो हमें क्या करना पड़ेगा. हम यहां पर बनाते हैं, हम कोई एक्सिस लेंगे अपने, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओपी पॉइंट है. हम ऐसे पॉइंट की तरफ जाएंगे जिसमें आर बढ़ रहा है और थीटा नहीं बढ़ रहा. सो दिस इज क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट इज आर प्लस डी आर, थीटा इज सेम, पी पॉइंट इज आर एंड थीटा. ठीक है, इसकी डिस्कशन तो हमने कर ही ली पीछे. और ये थीटा है और ये इतना आर है पी तक, और Q तक कितना है, PQ कितना है, DR है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DR निकाल लो. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ PQ, PQ विल बी गिवन एज OQ माइनस OP, OQ माइनस OP, OQ माइनस OP कितना हो जाएगा, OQ कितना है, OQ है R प्लस DR cos थीटा I कैप प्लस आर प्लस डी आर साइन थीटा जे कैप. यही होता है ना पोजीशन वेक्टर, यही होता है. तो मैंने क्या किया, आई हैव जस्ट पुट आर प्लस डी आर इन प्लेस ऑफ आर, यहां पे भी और यहां पे भी. कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप सेम रख लिए, ओ क्यू आ गया हमारे पास. इसमें से हम माइनस करेंगे ओपी, ओपी कितना है, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप. सो दिस इज व्हाट वी गेट, व्हाट विल वी गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस, व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दिस आर विद कॉस थीटा, आर विद साइन थीटा, डी आर विद साइन थीटा, डी आर विद कॉस थीटा, दीज टू टर्म्स विल बी कैंसल्ड आउट. ओके, एंड वी आर लेफ्ट आउट विद डी आर कॉस थीटा आई कैप प्लस डी आर साइन थीटा जे कैप. ठीक है, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड और वेक्टर पूरा, डी आर वेक्टर इतना हो गया. पी क्यू वेक्टर लिख देता हूं मैं, डी आर भी नहीं लिखता, पी क्यू वेक्टर लिख देता हूं. बट हमें तो मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, पी क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा डी आर कॉस थीटा स्क्वायर
plus dr sin theta square का अंडर रूट निकाला होगा ना आपने, a square plus b square अंडर रूट इज द मैग्नीट्यूड इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सिंपल एज स्टेट, i कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, वो ही लेते हैं इसमें सीधा सीधा, इसे सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके कितना आएगा, cos square theta plus sin square theta वन वाला फॉर्मूला लगा दोगे और dr square का अंडर रूट दैट विल बी dr, ये होगी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अलोंग यूनिट वेक्टर्स भी निकाल रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट अलोंग r, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ r, ठीक है, यूनिट वेक्टर देख लेते हैं, इस पे अभी आएंगे, स्फेरिकल पोलर पे भी आएंगे, यूनिट वेक्टर देख लेते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ द r कैप, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, ऐसे करते हैं यूनिट वेक्टर, ये वाला आसान हो जाएगा और भी ज्यादा, ठीक है, और आसान हो जाएगा, ओके, तो r वेक्टर डिवाइडेड बाय r कितना होगा, r वेक्टर कितना है, r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप डिवाइडेड बाय r, तो यूनिट वेक्टर कितना हो गया, r से r कट जाएगा एंड वी आर लेफ्ट आउट विद cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप, ठीक हो गया, ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी गॉट टू फाइंड आउट इज थीटा कैप, थीटा कैप, थीटा कैप भी फिर ऐसे ही चाहिए हमें, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वो लेकिन निकालने का तरीका दूसरा है जो हम पहले भी कर रहे थे, उसे उस तरीके से ही निकालेंगे, ठीक है, अब पीछे चलते हैं वापस से और देखते हैं जो हमने काम यहां किया, अब आपको इन द डायरेक्शन ऑफ आर नहीं करना, ये काम इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, ठीक है, थीटा करेंगे तो थीटा कर लेंगे, देखो क्या होगा, सो व्हाट विल वी डू, वी विल ड्रॉ इट अगेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड दिस इज योर ओरिजिन ओ, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर पी हैविंग कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा, okay, this angle is theta in this direction in this way, and now next point is q, so we will draw another point q here whose coordinates are r and theta plus d theta, this is increasing direction of theta, is direction mein hoga, is direction mein displacement nikal lo aur ye vector jo hai यूनिट वेक्टर जब उसका मैग्नीट्यूड वन करके देखोगे तो जो आएगा दैट विल बी अ यूनिट वेक्टर अलोंग थीटा दैट इज थीटा कैप, ठीक है, एक बार फिर से देखो, अगर हम ये ट्रायंगल बनाएं, ये पोजीशन वेक्टर लें कोई भी, लेट्स से पी है, तो जो ये वेक्टर होता है इस डायरेक्शन में दिस इज आर कैप, और जो ये वाला वेक्टर होता है दिस इज थीटा कैप, दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सिमिलर टू आई कैप and j cap, these two vectors are also perpendicular to each other, ठीक है, अब पहले हम थीटा देख लेते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगी, दूसरे केस में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट pq सेम, इट विल बी oq माइनस op, oq क्या है, अब what is oq now, oq is r cos not theta, it is theta plus d theta i cap प्लस आर साइन थीटा प्लस डी थीटा जे है, ओके, दिस इज योर ओक्यू माइनस आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, दिस इज योर ओपी, नाउ यू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमारे पास दो फॉर्मूले लगेंगे, फॉर्मूला लगेगा पहले cos a प्लस बी, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, दिस इज गिवन बाय cos a cos b, आगे क्या होगा माइनस sin a sin b, ठीक है, यहां पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और दूसरा क्या है sin a प्लस बी,
साइन ए प्लस बी का भी फॉर्मूला आपको पता है, साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए प्लस बी इज गिवन बाय साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। अब ये लगा देते हैं और इसमें देख लेते हैं फिर क्या बनेगा। सो वी विल गेट पी क्यू इज इक्वल टू आर, पहला फॉर्मूला कौन सा है, कॉस वाला, कॉस वाला, तो हम कॉस वाला फॉर्मूला सॉल्व कर लेते हैं। तो इट विल बिकम कॉस ए कॉस बी माइनस साइन, आर बाहर है वो लगा ही दिया साथ में, साइन ए साइन बी, ये होगी पहली टर्म। ठीक है, अब देखते हैं आई कैप के साथ है ये, ओके तो इसके साथ आई कैप लगा दिया दोनों के साथ, ठीक हो गया। चलो अगली टर्म देखते हैं, अगली टर्म कौन सी है, अगली टर्म है आर साइन ए कॉस बी, साइन थीटा कॉस बी थीटा जे कैप प्लस आर तो है ही है साइन बी थीटा एंड कॉस थीटा, साइन बी कॉस ए जे कैप, ये हो गया ओ क्यू। माइनस क्या करना है, माइनस वाली टर्म तो आसान है, वो तो सिंपल है आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ये हो गया। अब इसमें हमें एक और चीज लगानी है, नेक्स्ट क्या है, डी थीटा यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल एंगल इज वेरी स्मॉल, दिस डी थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर, ठीक है, तो इट इज वेरी स्मॉल, फॉर स्मॉल एंगल्स cos d theta can be taken as 1 and sin theta, sin d theta can be taken as its angle only, that is d theta, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है, sin theta is equal to theta and cos theta is equal to 1 for very small angles, तो अब ये small angles ले लिए तो हमने ये value होगी, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे अब 1, और sin d theta की जगह पे क्या लिख देंगे, अकेला d theta, sin d theta की जगह पे d theta, cos d theta की जगह पे 1, when we will do this, what will we get, we'll get r cos theta i cap, this is r cos theta i cap, it will be cancelled out with r cos theta i cap, पहली चीज, दूसरी r sin theta j cap, it will be cancelled out with r sin theta j cap, बाहर क्योंकि माइनस है ना, तो उस हिसाब से ये हो गया, और बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास दो टर्म्स बच जाएंगी, दैट इज इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा डी थीटा आई कैप, और जो बाकी है वो प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा जे कैप, ये दो टर्म्स बच गई। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका, PQ का मैग्नीट्यूड, व्हाट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट ऑफ माइनस आर साइन थीटा डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा का होल स्क्वायर, ओके। So again we will use sin square theta plus cos square theta equal to 1. This will be r square d theta square plus r square d theta square, that will be common. Under root loge it will be r d theta. So this is small displacement along yes theta direction. Yes, this is small displacement along theta direction, r d theta. What is small displacement along r direction? Dr. What is small displacement along theta direction? R d theta. ये हो गया. What is the magnitude of unit vector? Theta unit vector? वो होगा. इसी में आप देखोगे तो ये वाला जो है इसके magnitude से जब divide कर दोगे, इसके magnitude से divide कर दोगे तो आपको direction मिल जाएगी. What will be theta cap? Theta cap will be vector divided by its magnitude. वेक्टर कौन सा है, ये वाला ऊपर लिखा है जो माइनस आर साइन थीटा
d theta I cap plus r cos theta d theta j cap divided by its magnitude. मैग्नीट्यूड कितना है? आर डी थीटा. आर डी थीटा से डिवाइड कर दो, क्या होगा? आर डी थीटा, आर डी थीटा कॉमन जो होंगे वो कट जाएंगे, जो बाकी जो टर्म बच जाएगी दैट विल बी योर थीटा यूनिट वेक्टर. तो ये नीचे से मैंने आर डी थीटा कैंसिल कर दिया, ओके. ऊपर से भी जो कॉमन निकल के आर डी थीटा कट गए थे वो इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक. कुछ ज्यादा ही रेज हो गया वो, आई विल राइट इट अगेन. सो रेस्ट ऑफ द टर्म इज दिस थीटा, दिस इज थीटा, दिस टर्म इज योर थीटा कैप, दिस टर्म इज योर थीटा कैप. वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इट इज यस, एक बार फिर से लिखते हैं. R cap कितना आया था? R cap was equal to sin theta I cap plus cos theta J cap. What is the value of theta cap? Theta cap comes out to be equal to minus cos theta I cap plus, sorry, I have written it wrong. No, this was not the value. उल्टा हो गया. ओके, सो दिस इज कॉस थीटा आई कैप, आई कैप के साथ कॉस थीटा था प्लस साइन थीटा जे कैप. ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा कैप? थीटा कैप वी गॉट इट जस्ट इन लास्ट स्टेप. दिस इज इक्वल टू थीटा कैप, दिस इज माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ठीक. अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको क्लियर होगा बिल्कुल कि यहां से थीटा कैप जो है दैट इज सिंपली द डेरिवेटिव ऑफ आर कैप विद रिस्पेक्ट टू थीटा, नथिंग मोर देन दैट. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा? इट इज माइनस साइन थीटा. एंड व्हाट इज साइन डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा? इज इट्स प्लस कॉस थीटा. सो सिंपली यू कैन ऑब्टेन थीटा कैप विद आर कैप. आर कैप तो सिंपल ही है, आर वेक्टर जिसे याद है, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, उसमें से आर ही तो हटाना होता है और क्या करना है. सो यू विल इजिली गेट आर वेक्टर, आर कैप. आर कैप इज सिंपली जस्ट राइट इट विदाउट आर, यू विल गेट आर वेक्टर, है ना. तो सिंपल है. ओके, सो दिस इज योर आर वेक्टर एंड थीटा, आर कैप एंड थीटा कैप. And small displacements are dr and rd theta along these directions, along r cap and theta cap. Is it okay? Okay, great. यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी से बता दो और फिर हम एक काम करेंगे, छोटा सा काम करेंगे कि इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं और have a break of 5-10 minutes. और 5 मिनट्स और वी कैन कंटिन्यू इट टुमारो और राइट नाउ. ओके, तो क्विकली रिप्लाई टू मी, राइट इट इन चैट बॉक्स. अगर सब ठीक है तो क्या करो, क्या करो, चैट बॉक्स में लिख दो, और अगर कोई डाउट है तो वो भी चैट बॉक्स में लिख दो, बता दो. आई विल स्टार्ट माय नेक्स्ट क्लास विद द रिवीजन और the recapitulation of the whole thing. Okay, so let me end it now. Okay.